मैं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के प्रथम दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति बिहार श्री फागू चौहान जी, माननीय कृषि सह पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी, सुप्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक पूर्व महादेशक निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली डॉक्टर मंगला राय जी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सचिव डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी जी, राज्यपाल के प्रधान सचिव श्री मेहरोत्रा जी, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एटलांटा के वरीय वैज्ञानिक व हमारे पूर्व विद्यार्थी डॉक्टर शौकत कारी, प्रबंधन बोर्ड व अकादमिक परिषद के सम्मानित सदस्य, राजेंद्रा कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी, हमारे अकादमिक परिषद के सम्मानित सदस्य, राज्य सरकार के वरीय पदाधिकारी, हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व वेटरन्स डीन्स डायरेक्टर्स वाइस चांसलर्स और स्थानीय संस्थाओं के अधिकारीगण, डिफेंस सर्विसेज से ऑफिसर्स, विद्यार्थीगण, प्रेस मीडिया और देवी सज्जनों तथा सभी आमंत्रित अतिथियों, मैं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हम अपने पहले दीक्षांत समारोह को संपन्न करने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। इस संस्थान की शुरुआत सन 1927 में बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय के रूप में हुई। विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ यह महाविद्यालय अपना सफर आगे बढ़ाता रहा और प्रदेश के दूरदर्शी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बने तीसरे कृषि रोड मैप के अनुरूप 29 अगस्त 2016 में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया और 13 जून 2017 से विश्वविद्यालय ने अपना कार्य प्रारंभ किया। वर्ष 1981 में दूसरी इकाई संजय गांधी दुबे प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना हुई और इस नवगठित विश्वविद्यालय की तीसरी इकाई के रूप में 2018 में मात्स्यिकी महाविद्यालय किशनगंज की स्थापना की गई। मात्स्यिकी महाविद्यालय का गठन भी बिहार कृषि रोडमैप के अंतर्गत परिलक्षित किया गया था। इसी वर्ष मार्च 2019 में कृषि विज्ञान केंद्र जमुई को बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अधीन अंतरित किया गया। इस बीच 2018 और 2019 में बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री और मास्टर ऑफ वेटनरी साइंस में उत्तीर्ण विद्यार्थी उपाधि की पात्रता पूरी कर चुके हैं। मैं इस प्रथम दीक्षांत समारोह में उनका स्वागत करता हूं और उन्हें बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की डिग्री के पहले प्राप्तकर्ता होने के विशेष गौरव के लिए बधाई देता हूं। ये सभी विद्यार्थियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण है। पहले दीक्षांत समारोह के अवसर पर आपको संबोधित करना मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हम उन महान वैज्ञानिकों और विद्वानों को गर्व के साथ याद करते हैं जिनके योगदान ने इस संस्था को आकार दिया है। उनकी प्रेरणा हम सभी को शक्ति प्रदान करती है। आज हम एक स्वायत्त विश्वविद्यालय हैं। यह असाधारण नींव पर निर्माण का समय है। विश्वविद्यालय बनने के बाद हम भारत के विभिन्न राज्यों के प्रतिभाशाली और समर्पित शोधकर्ताओं और शिक्षकों को आकर्षित करने में सफल रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा अपने पहले अधिकारियों, कुल सचिव, उप कुल सचिव, वित्त नियंत्रक, अधिष्ठाता वेटनरी, अधिष्ठाता डेयरी, निदेशक छात्र कल्याण, निदेशक अनुसंधान, संपदा अधिकारी, निदेशक कार्य एवं संयंत्र, सहायक वित्त नियंत्रक, सहायक अभियंता, सहायक सुरक्षा अधिकारी तथा अन्य पदों पर नियुक्तियां की गई। हम देश के विभिन्न राज्यों से आए प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के भी आभारी हैं जिनकी उपस्थिति ने विश्वविद्यालय में वरिष्ठ पदों के लिए सर्वश्रेष्ठ आवेदकों का चयन सुनिश्चित किया। हम शिक्षक और शिक्षेत्र कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में हूँ और शीघ्र ही नई नियुक्तियाँ कर ली जाएंगी। इस दौरान कर्मचारियों के वेतन सुरक्षा, उच्च योग्यता के लिए वेतन वृद्धि, पिछली सेवा की गिनती, पीएचडी के लिए अध्ययन अवकाश जैसे लंबित मामलों का पूर्ण रूप से निराकरण किया गया। संविदा कर्मियों की सेवाएँ नियमित की गई तथा अनुकंपा के आधार पर लंबित नियुक्तियाँ भी संपन्न की गई।
हमारे विश्वविद्यालय की स्थापना प्रदेश में पशुधन डेयरी व मत्स्य के क्षेत्र में शिक्षा तथा अनुसंधान का उत्थान करने हेतु किया गया है। इन दो वर्षों में हमने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए विशेष कदम उठाए हैं, जिसके हमें बहुत उम्दा नतीजे मिल रहे हैं। हमारी परीक्षा प्रणाली अनुकरणीय दक्षता के साथ कार्य कर रही है। सभी परीक्षाओं के परिणाम समयबद्ध तरीके से प्रकाशित किए गए हैं। यूनिवर्सिटी के संक्षिप्त इतिहास में कुछ मील के पत्थर हैं, जिन पर हम सभी को गर्व है। मैं उनका यहाँ संक्षिप्त उल्लेख करना चाहूँगा। वर्तमान में विद्यालय के 3 महाविद्यालयों में 395 विद्यार्थी स्नातक स्तर पर, 44 स्नातकोत्तर पर एवं 14 विद्यावाचस्पति की उपाधि के लिए अध्ययन कर रहे हैं। प्रशासनिक कार्यों का सुदृढ़ एवं सुचारू रूप से कार्यान्वयन करने के लिए बायोमेट्रिक मशीन द्वारा उपस्थिति, अकादमिक कैलेंडर का क्रियान्वयन, परीक्षा पात्रता हेतु कक्षा में अनिवार्य उपस्थिति, परीक्षा प्रणाली में सुधार, वेटनरी महाविद्यालय में प्रवेश के समय श्योरिटी बॉन्ड, कदाचार मुक्त परीक्षाओं का संचालन तथा विश्वविद्यालय एवं छात्रावास के नियमों इत्यादि को अक्षर से अपना कर पूर्ण रूप से अनुपालन किया जा रहा है। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में लगातार प्रगति की जा रही है। नेशनल नॉलेज नेटवर्क के माध्यम से 50 MBPS की इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध की गई है तथा लोकल एरिया नेटवर्क का कार्य तेजी से चल रहा है। वेतन तथा पेंशन का भुगतान विशेष सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जा रहा है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के माध्यम से चाणक्य ऑनलाइन एकेडमिक सिस्टम लागू कर दिया गया है और अगले चरण में ई ऑफिस को पूर्ण रूप से प्रभावी करने की योजना है। हमने देश विदेश के संस्थानों के साथ परस्पर लाभदायक संबंध बनाए हैं। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन किया है, जिसका उद्देश्य परस्पर कार्यों के द्वारा शोध एवं शिक्षा की गुणवत्ता में इजाफा करना है। इनमें कुछ प्रमुख संस्थानों के नाम मैं यहाँ लेना चाहूँगा। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, भारतीय कृषि कौशल परिषद नई दिल्ली, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार और ICR के तमाम फिशरीज इंस्टीट्यूशंस और अन्य संबंधित विभागों के साथ करीब 14 संस्थाओं के साथ हमने समझौता ज्ञापन किया है। उल्लेखनीय है कि वन्य जीवों पर अनुसंधान करने हेतु पटना चिड़ियाघर के साथ भी समझौता ज्ञापन किया गया है और हमें बताते हुए हर्ष है कि हम वन्य प्राणी फोरेंसिक प्रयोगशाला व वाइल्ड लाइफ हेल्थ सेंटर की स्थापना वन विभाग की मदद से करने जा रहे हैं। जनवरी 2020 में हमारे वैज्ञानिकों को वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून व ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वन्य प्राणियों के अध्ययन में प्रशिक्षण दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर पहल करते हुए विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पशु प्रबंधन पर 4 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया तथा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वाधान में प्रशिक्षण श्रृंखला चलाकर राज्य के सभी 1180 पशु चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया गया, जो भी किसी भी प्रदेश के लिए एक रिकॉर्ड है। प्लेसमेंट सेल, प्रशिक्षण सेल, शिकायत निवारण प्रकोष्ठ तथा अलुमनाई सेल प्रारंभ किए गए हैं। नतीजतन छात्रों को सरकारी व गैर सरकारी उपक्रमों में कैंपस सिलेक्शन के बहुत अच्छे अवसर मिल रहे हैं। वरीय छात्र विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय नए विद्यार्थियों का स्वागत तथा मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्हें बड़े उत्साह के साथ दीक्षारंभ कार्यक्रम में भाग लिया और नए विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों को परिसर भ्रमण तथा भोजन का अपने से प्रबंध किया। सभी वरीय छात्रों ने, मैं उनका इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से हमें नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट प्राप्त करने में कामयाबी मिली है। इस योजना के तहत हमने 9 कार्यशालाएं, 10 सेमिनार का आयोजन किया। इस परियोजना से छात्रों एवं अध्यापकों को विदेशों में प्रशिक्षण व अनुसंधान की व्यवस्था की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना तकनीकी मंत्रालय से कृषि मंत्रणा एंड AI बेस्ड मल्टी मॉडल डायलॉग सिस्टम फॉर फार्मर्स, इस परियोजना के लिए 22 लाख रुपये का अनुदान हमारे महाविद्यालय के लिए स्वीकृत किया गया है। ICR नई दिल्ली के नेशनल एग्रीकल्चर साइंस फंड के द्वारा उत्तर बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में पशुधन विकास हेतु कम लागत के नए मॉडल पर अनुसंधान करने के लिए 1,25,00,000 रुपये की परियोजना स्वीकृत की गई। प्रदेश के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की पहल पर भारत सरकार से भ्रूण प्रत्यारोपण परियोजना स्वीकृत हुई है। इस परियोजना के अंतर्गत ज़्यादा दूध देने वाले देसी गाय के त्वरित प्रजनन का कार्य भ्रूण प्रत्यारोपण से किया जाएगा। इस परियोजना से हमारे छात्रों के शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान की मजबूत नींव रखने तथा गुणवत्ता बढ़ाने में सफलता मिलेगी। गत वर्ष विश्वविद्यालय ने 4 नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें देश और विदेश के जाने माने वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया।
मुझे ये बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि हमारे विश्वविद्यालय में देश में पहल करते हुए एनिमल वर्चुअल डिसेक्शन टेबल इंस्टॉल किया गया है। मानव चिकित्सा में यह सुविधा भारत के कुछ मेडिकल संस्थानों के उपयोग में है, परंतु पशु विज्ञान के क्षेत्र में यह उपकरण पूरे भारत में पहला है, जिसे बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय के शरीर रचना विभाग में लगाया गया है। इस तकनीक के आने से छात्रों को पशु शरीर रचना और शल्य चिकित्सा को समझने और अपनाने में आसानी होगी। बिहार सरकार वित्त विभाग के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में क्रय प्रक्रिया यानी परचेज का पूरा काम जेम पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें विगत वर्ष में हमने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। रोस्टर निर्वाचन की प्रक्रिया में रिक्त शैक्षणिक पदों पर बहाली का कार्य प्रगति पर है। इन पदों पर भर्ती के साथ ही विश्वविद्यालय में स्वीकृत अधिकतर पद भर दिए गए। स्वच्छ परिसर विकसित करने हेतु लक्षित 74 नए प्री फैब्रिकेटेड शौचालय का निर्माण किया जा चुका है, जिसमें टाटा फाउंडेशन से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कुल लागत का 60% अनुदान प्राप्त हुआ है। वन महोत्सव के असर पर बड़ी संख्या में पेड़ लगाने के लिए हमारे कार्य को बिहार सरकार द्वारा सराहा गया है। पुराने भवनों का जीर्णोद्धार करके उन्हें बहुउपयोगी बनाया गया है। वेटनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स में डायग्नोस्टिक सुविधाओं को सुदृढ़ किया गया है। आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था करने का कार्य भी प्रगति पर चल रहा है। पशुओं के इंडोर चिकित्सा की सुविधा शुरू की गई है, जिसमें चिकित्सा के सभी उपकरण, आधुनिक डायग्नोस्टिक लैब, हर तरह के ऑपरेशन की सुविधाएं, इंटेंसिव केयर यूनिट और किसानों के ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन हेतु 310 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सोलर पैनल भवनों पर लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 264 किलोवाट क्षमता वाले नए संयंत्र के लिए ब्रेडा से प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। नए आधारभूत संरचनाओं में 2 मंजिला अकादमिक भवन एवं लिफ्ट सुविधा युक्त 4 मंजिला आधुनिक पुस्तकालय भवन का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। विश्वविद्यालय स्तर पर प्रबंधन बोर्ड, विद्वत परिषद, शोध परिषद, प्रसार शिक्षा परिषद एवं वित्त समिति बनाई गई है, तथा जरूरत को ध्यान में रखकर समय समय पर बैठकें आयोजित करके विभिन्न कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के सहयोग से सिपाया गोपालगंज में एक नया भैंस प्रजनन प्रक्षेत्र प्रारंभ किया जा रहा है। इसके लिए लगभग 90 एकड़ भूमि का अधिग्रहण विश्वविद्यालय को दिया गया है। आगे पशु चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करने हेतु प्रदेश का दूसरा पशु चिकित्सा महाविद्यालय किशनगंज में प्रस्तावित है, जो प्रक्रियाधीन है। प्रदेश में अनूठी पहल करते हुए प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पशु विज्ञान केंद्रों की स्थापना करने के बारे में भी प्रक्रिया चल रही है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के सभी वैज्ञानिक, शोधकर्मी, विद्यार्थी तथा कर्मचारी एकजुट होकर अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मैं अपना वक्तव्य खत्म करने से पहले महान दार्शनिक अरस्तु के ये शब्द दोहराना चाहूँगा, एजुकेशन इज एन ऑर्नामेंट इन प्रॉस्पेरिटी एंड ए रिफ्यूज इन एडवर्सिटी। सरल शब्दों में कहूँ तो शिक्षा समृद्धि में एक आभूषण है और आपदा में एक शरण सचली है। हमारे जीवन के गहनतम अंधकार में शिक्षा रोशनी लेकर आता है। मेरे प्यारे छात्रों, मुझे यकीन है कि विश्वविद्यालय से हासिल हुई ये रोशनी जिंदगी के हर दौर में आपका मार्ग प्रशस्त करेगी। मैं आप सबों को उज्ज्वल भविष्य के लिए बेशुमार शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सभी छात्र, वैज्ञानिक, अधिकारी, कर्मचारी और पूर्व छात्र मानते हैं कि विश्वविद्यालय पशु विज्ञान में शिक्षण और अनुसंधान के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने में सक्षम होगा। हम सब मिलकर विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह निश्चित रूप से हमारे भाग्य में हमारे विश्वास की पुनः पुष्टि करने का सही क्षण है। मैं अपना स्थान ग्रहण करने से पहले पुनः महामहिम कुलाधिपति का विशेष अभिनंदन करता हूं और आप सभी अतिथिगण और यहां पर उपस्थित सभी सज्जनों, देवियों का हार्दिक आभार एवं स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।